नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ यूपी आंगनवाड़ी भर्तियाँ। तो दोस्तों जैसे कि अब तक जो 8 ज़िलों में भर्तियाँ हो रही थीं और दोस्तों उन 8 ज़िले में एक ज़िले का जो मतलब ब्लॉक का ऑप्शन था वो नहीं खुल रहा था, वो ज़िला था दोस्तों फिरोज़ाबाद ज़िला। तो दोस्तों आज मैं बताता हूँ कि फिरोज़ाबाद ज़िले में जो ब्लॉक का ऑप्शन है वो खुल के आ गया है। तो दोस्तों मैं आपको आज इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ बताऊँगा कि किस तरह से आप फिरोज़ाबाद ज़िले में यूपी आंगनवाड़ी की भर्तियाँ यानी फॉर्म कैसे फिल करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि आपको बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर फिरोज़ाबाद ज़िले में ब्लॉक का ऑप्शन नहीं खुल रहा है, तो मैंने कहा था उन लोगों से कि जैसे ही ब्लॉक का ऑप्शन खुलेगा वैसे ही मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। उन भाइयों के लिए है जिन्होंने मेरे लिए बहुत कमेंट की थी फिरोज़ाबाद ज़िले के लिए, ठीक है दोस्तों। तो अगर दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटे को बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि हमारी और दूसरा ज़िला कोई और जुड़ता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर। ठीक, हेलो दोस्तों, जैसे कि आ गए हैं हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद आपको इस तरह से वेबसाइट का पेज ओपन होकर आएगा और दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आपको सिंपली इस वेबसाइट पर लॉगिन हो जाना होगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस तरह से आपके सामने पेज ओपन आएगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहां पर आपको जाना होगा रिजर्वमेंट में, और रिजर्वमेंट में जाने के बाद आपके यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म द आंगनवाड़ी वर्कर मनी आंगनवाड़ी वर्कर, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा सिंपली ही। और जैसे ही आपको इस तरह से आपके सामने एक पेज ओपन होकर आएगा, तो दोस्तों ये आपके निर्देश हैं यानी महत्वपूर्ण निर्देश अनुदेश जो आपको फॉर्म फिल करने में आपको सहायता करते हैं यानी हेल्प करते हैं दोस्तों। तो इन महत्वपूर्ण निर्देशों को आपको भलीभांत पढ़ लेना चाहिए और आपके कोई भी डॉक्यूमेंट में मतलब सॉरी आपको फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये मैं बता दूँ, ये ऑनलाइन आवेदन भरते समय सभी प्रक्रियाँ एवं नंबर अंक को अंग्रेजी भाषा में भरा जाए। दोस्तों ये दिखा दूँ, ये स्पेशल कैरेक्टर है, इनका आपको यूज नहीं करना है। तो आप अगर आपका इसका यूज करोगे तो आप फॉर्म सबमिट नहीं कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। और इसी तरह से आपको यहाँ पर ये फोटो का भी साइज़ दिया हुआ है 20 KB का और सिग्नेचर का 10 KB का दोस्तों। इस तरह से आपको अच्छी तरह से पढ़ के आपको सिंपली येस पे क्लिक कर देना होगा दोस्तों। और जैसे ही आपको येस पे क्लिक करेंगे और एक पेज और ओपन होकर आएगा आपके सामने, तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है जिला व परियोजना द्वारा सर्च कर आंगनवाड़ी रिक्तियों को खोजें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये दे रहा है कि अपनी जिला को चुनें और अपने ब्लॉक को चुनें और अपने इस ग्रामीण एरिया को या शहरी एरिया को और ग्राम वार्ड नंबर को, ठीक है। तो वहाँ से आप अपने पद को पता कर सकते हैं कि हमारे पंचायत में कौन कौन से पद खाली हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आज फिरोज़ाबाद ज़िले का। तो दोस्तों फिरोज़ाबाद ज़िले के मैंने यहाँ पर बहुत सारी वीडियो बना दी थी और फिरोज़ाबाद ज़िले की वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि इस ज़िले के में जो एरर आ रहा था ब्लॉक का सेलेक्ट होना, वो एरर अब ख़त्म हो चुका है दोस्तों। तो मैं बता दूं यहाँ पर ये कोटला, जैसे मैंने यहाँ फिरोज़ाबाद सेलेक्ट किया और यहाँ पे ब्लॉक का नाम कोटला आ गया है दोस्तों। और यहाँ आने के बाद आपको यहाँ ग्रामीण या शहरी को सेलेक्ट कर लेना होगा और यहाँ पे वार्ड नंबर या ग्राम पंचायत संख्या को डाल देना होगा दोस्तों, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर डाल दिया है ये, और यहाँ पर से आप कोई सी भी एक पंचायत को लिख सकते हैं और यहाँ पर पद का नाम दोस्तों। तो पद का नाम जैसे कि आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री में डालना है फॉर्म या मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री में दोस्तों, या आपको आंगनवाड़ी सहायिका। तो दोस्तों आंगनवाड़ी पहले में हम देखते हैं, पहले नंबर को खोज के देखते कहते हैं यहाँ के हमारी पंचायत में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की वैकेंसी है या नहीं है। अगर होती है दोस्तों तो सिंपली पेज ओपन होकर आ जाएगा आप सामने, अगर नहीं होती है तो डाटा नो रिकॉर्ड फाउंड लिखकर आपके सामने एक पॉपअप अलाउ होगा। तो देखते हैं दोस्तों इसमें, हाँ दोस्तों तो इसमें देखते हैं कि जनपद फिरोज़ाबाद में कोटला में और ग्रामीण में मतलब इस वाली पंचायत पे आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की वैकेंसी खाली है दोस्तों, और इस तरह से आपके सामने पेज ओपन होकर पूरी तरह से आ जाएगा। तो ग्रामीण एरिया और जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है विज्ञापन क्रमांक 1395 और यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों इसकी आरंभ तिथि 26/3/2021 और अंतिम तिथि है इसमें दोस्तों 17/5/2021। तो इस तरह से आपके सामने पेज ओपन होकर आएगा और आपको सिंपली अप्लाई पे क्लिक कर देना होगा दोस्तों। आवेदन करने के लिए आपको अप्लाई क्लिक करेंगे और आपके सामने एक पेज ओपन होकर और आता है यहाँ पर पंजीकरण का। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे और DOB डालेंगे अपनी यानी जन्म तिथि और
इसमें कैप्चा कोड फिल करने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना होगा दोस्तों। और जो आपका ओटीपी आता है यानी वो ही आपका पंजीकरण नंबर होगा दोस्तों। सिंपली इसमें डाल के DOB डाल के और यहाँ पर दोस्तों आप कैप्चा कोड फिल करके इसमें लॉगिन हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं UP आंगनबाड़ी भर्तियों में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे बहुत बहुत निवेदन है मेरा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी अगले ज़िले में इसमें सेलेक्ट होने वाला है उसकी भी वीडियो मैं आपको डाल दूंगा और आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो दोस्तों नमस्कार, चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।